जाटवपुरा की जनता नाले की गंदगी से परेशान। बरेली थाना बारादरी के क्षेत्र जाटवपुरा वाल्मीकि बस्ती में कुछ समय पहले नगर निगम द्वारा नाले पर स्लिप डाला गया था, जो कि इस नाले के पानी व कूड़े का अवरोधक बना हुआ है। अक्सर बारिश नाले का कूड़ा इस स्लेब के नीचे फंस जाता है, जिससे पानी भरने लगता है और यह पानी कुछ समय बाद घरों में घुस जाता है। इस नाले के गंदे कीड़े निकलकर घरों में घुस रहे हैं। बहा के जनप्रतिनिधि ने बताया, छोटे छोटे बच्चे, बुजुर्ग, माता बहन को निकले में दिक्कत होती है। संक्रामक बीमारी के चलते काफी गंदगी का सामना करना पड़ रहा है। घरों में गंदी बदबू आ रही है। कई बार नगर निगम में शिकायत की, लेकिन अभी तक कोई सफाई नहीं हुई है। गंदगी के कारण मच्छर बहुत है। पर कम से कम 20 सालों से सही तरीके से सफाई नहीं हुई है। अरे सब सिर्फ केवल ऊपर ही ऊपर मशीन आती है नगर निगम से, ऊपर ही ऊपर सफाई करके चली जाती है। अरे और सबसे बड़ी मुसीबत वो बना हुआ है स्लैब, वो अभी नगर निगम में कुछ समय पहले स्लैब डाला है। स्लैब से कूड़ा रुकता है और पास नहीं होता है और हमारे घरों में पानी भरता है बरसात में। क्षेत्रीय पार्षद है, कीड़े गंदे कीड़े तो घर में जाते हैं हमारे, हमारे पास सारे वीडियो हैं। सर क्या नाम आपका? हाँ मेरा नाम विपिन कुमार है। क्या समस्या है आपकी? समस्या ये है कि पूरे समय पूरी दुनिया में ये कोरोना महामारी फैली हुई है, इसको देखते हुए हमारे यहाँ ये जाटवपुरा नाला वाल्मीकि बस्ती मलिन बस्ती है। इसको आप ये आप देख ही रहे होंगे कितना बुरा हाल है। गंदगी के मारे ये नाला बुरी तरीके से पड़ा हुआ है। कम से कम 20 सालों से ये नाला ठीक तरीके से साफ नहीं हुआ है। जब भी ये नाला साफ होता है ऊपर ऊपर से सफाई होकर बस छुट्टी हो जाती है इसकी। क्षेत्रीय पार्षद या नगर निगम के नगर आयुक्त महापौर जी से मिले हैं आप जाकर? हाँ कई बार हम इन लोगों से मिले हैं, बराबर मिलते हैं और लेकिन कोई कुछ होता नहीं है। क्या आश्वासन दिया? आश्वासन यही मिलता है आपकी बात ठीक हो जाएगा। और इस समय सबसे बड़ा हमारा मुद्दा, सबसे बड़ा जो मुसीबत बना हुआ है ये स्लैब, ये अभी कुछ समय पहले नगर निगम ने स्लैब डाला था। इस स्लैब के नीचे से कूड़ा निकलता नहीं है, बारिश में हमारे घरों में पानी भरता है और गंदे नाले के कीड़े घर में घुसते हैं। ये कब से दिक्कत हो रही है आपके घर में जो गंदे कीड़े हैं? ये जब से ये स्लैब पड़ा है। क्षेत्रीय पार्षद के पास गए तो उन्होंने क्या आश्वासन? पार्षद के बराबर फोन करते हैं हम लोग, संपर्क में रहते हैं लेकिन कुछ होता नहीं। क्या आश्वासन देते हैं? आश्वासन यही मिलता है कि हाँ आपकी बार हो जाएगा। तो अब आप क्या चाहते हैं? अब हम यही चाहते हैं कि अब की बार जो वार्षिक सफाई नाले की जो होती है, जो वो होती तो कागजों में है, लेकिन अब की बार ठीक तरीके से जो वार्षिक सफाई हो और इस स्लैब को तोड़कर हो, जिससे कूड़ा ना रुके, ना हमारे घरों में गंदे कीड़े आए और ना ये पानी हमारे घरों में भरे गंदा। एनजी न्यूज से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें।